नमस्कार, मैं पार्वती प्रेमा जगति सरस्वती विहार से संगीत का आचार्य पवन जोशी। लॉकडाउन के इस समय में संगीत जैसे विषय को का अध्ययन करना बहुत ही सही समय समय है। इसीलिए कक्षा एट्थ का वर्ष वर्ष का जो पाठ्यक्रम होता है उसको लेकर मैं यहाँ पर आया आपको और सभी अभिभावकों एवं विद्यार्थियों से अनुरोध है, कृपया इसको कॉपी बनाएं और अपने उसमें इसको नोट करें। वर्ष भर में की जो मेन बिंदु हैं उनको मैंने इसमें लिखा है। जब तक लॉकडाउन नहीं होता खत्म, अगर वो आगे बढ़ता है तो फिर आगे और लिखा जाएगा, लेकिन मेन बिंदु मैंने इस समय लिखे हैं जिनको मैं इस समय आप लोगों के सामने सिखाऊंगा। और सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी का निर्माण करेंगे एट्थ क्लास के। ये एट्थ क्लास का है और इस सबको मैं आपको बता के लिखा के और फिर इसका मैं आपको धीरे धीरे अभ्यास कराऊंगा। कॉपी कैसे बनानी है, क्योंकि आप एट्थ क्लास के पुराने विद्यार्थी हैं, आपको सब पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार से दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इंडेक्स, उसके बाद सिलेबस, सिलेबस के बाद इससे पहले प्रतिज्ञा होती है, वो सब आप लिखेंगे। उसके बाद ये सिलेबस को धीरे धीरे जो भी मैं यहाँ से थ्योरिकली और प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। सिर्फ ऐसा ही नहीं है, क्योंकि इस समय खाली समय बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको हारमोनियम का वादन, तबले के वादन से संबंधित कुछ बेसिक्स जरूर बताऊंगा। तो इसीलिए अभी थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, तो मैं आपको इसको पढ़ के भी बताना चाहूँगा ताकि आपकी समझ में आए, क्योंकि वंदना विशेष रूप से किसी भी विद्यालय में सबसे पहला पीरियड होता है या विषय होता है, क्योंकि इससे बच्चों में स्पिरिचुअलिटी आती है। तो इसीलिए वंदना को सबसे पहले हम गायन के साथ शुरू करवाएंगे। तो ये वंदना जो अपने विद्यालय विद्यावारती में होती है, दीप स्तुति से शांति पाठ तक संपूर्ण वंदना का इसमें मैं आपको तरीका बताऊंगा, कैसे उसको गाना है, कैसे स्वर लगने हैं, क्या स्थिति रहनी है, ये इस टॉपिक में आएगा। दूसरा है मासिक गीत, महीने का कोई भी गीत मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि वर्ष भर में हमारे बहुत सारे गीत अखिल भारतीय भी होते हैं, कुछ मासिक होते हैं, मासिक महीने भर में होने चलने वाला वो गीत होता है, वो कोई भी देशभक्ति गीत हो सकता है, उसका मैं आपको यहाँ पर से गायन के द्वारा और तालों के द्वारा उसको बताऊंगा। और फिर आता है रूपक ताल का संपूर्ण परिचय, वो थ्योरेटिकली भी बताऊंगा और आपको तबले के साथ भी कि कैसे हाथ रखना है, लेकिन किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इसके बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको पहले सा रे गा मा पा धा नि सा कैसे बजाना है और कौन सी उंगलियां सा में इस्तेमाल करनी है और तबले में धा कहां पर निकलता है, ता कहां पर निकलता है, इन सब चीजों को मैं आपको प्रैक्टिकली बाद में बताऊंगा उसमें। तो रूपक ताल कैसे बजेगा, पहले वो थ्योरिकली होगा, फिर उसके बाद आपको तबले में भी मैं उसका अभ्यास बताऊंगा कहां पर। अगर किसी विद्यार्थी के पास घर में तबला है और हारमोनियम है तो वो इन विषयों को जो अभी मैं यहाँ से इस माध्यम से जुड़ के आपको यहाँ से सिखाऊंगा तो उसे जरूर सीखे, और अगर संभव हो सकता है तो इस दौरान अपना हारमोनियम तबला कहीं से या तो अगल बगल हो तो ले लें, और ना ही ले सकते हैं तो फिर बाजार से अगर हो सकता है तो ले लें, वैसे दुकानें खुली नहीं होंगी, लेकिन फिर भी आप समझे जरूर इस विषय। अगला इसमें आएगा मासिक गीत राग भुवानी का संपूर्ण परिचय। किसी भी राग में उसका आरोह होता है, उसका अवरोह होता है और उसकी पकड़ होती है। किसी भी राग को गाने के लिए इन तीन चीजों का आना आवश्यक है। पहले तो स्वर ज्ञान का होना आवश्यक है कि स्वरों को कैसे लगाना, जैसे कि चल रहा है सा सारे गाम पधानी सानी धा पे सब तक आपकी एक्यूरेसी नहीं होगी तो आप गीत भी नहीं गा सकते।
राग तो एक बहुत बड़ी चीज होती है। हालांकि इसमें राग जो हम बताएंगे उसमें भोपाली राग के आरोह अवरोह एव और पकड़ इसके अभ्यास कराएंगे तो इतना ज्ञान बहुत होता है किसी भी गीत में, फिल्मी गीत या किसी भी गीत को गाने के लिए इन्हीं सब चीजों की समझ की आवश्यकता होती है और इन सब स्वरों का अभ्यास करना की आवश्यकता रहती है। बाकी क्लासिकल तो बहुत गंभीर विषय है, फिर उसमें बाद में धीरे धीरे अगर उधर रुझान हो तो ट्वेल्थ के द्वारा जाया जा सकता है। फिर इसके पश्चात ये जो रूपक ताल का संपूर्ण परिचय होगा उसको हाथ से ताली में देना, लय स्वर लय और ताल ये तीनों चीजें जो होती हैं इससे संगीत बनता है, सिर्फ एक व्यक्ति से संगीत नहीं बनता, इसीलिए उसको करें। मासिक हाथ से ताली देने का अभ्यास मैं कराऊंगा ताकि आपकी लय मजबूत हो, यानी लय यानी प्राण, प्राण यानी कि धड़कन, यानी एक समान गति से जब लय चलेगी तो ही आप समझिए कि आप ताल पर रह सकते हैं। अगर आप लय को ऊपर या नीचे कर देते हैं तो वैसे भी शरीर में भी आप देखिए तो भी लय ऊपर नीचे धड़कनों की हो जाती है तो आपको या तो फीवर हो जाता है या कुछ हो जाता है, इसीलिए लय जिसकी सही होगी वो संगीत कर सकता है। फिर राग भोपाली का परिचय आरोह अवरोह और पकड़ का गायन स्वस्वर गायन यानी स्वरों के साथ उसका गायन मैं आपको अगले टॉपिक में उसका वर्णन करूंगा। फिर कोई एक गीत गाएंगे राग भोपाली पर आधारित, तो गीत को गाने का अभ्यास फिर किसी एक विद्वान का जीवन परिचय और जीवन परिचय में करने के पश्चात राग भैरवी का परिचय आरोह अवरोह का सस्वर ज्ञान, अपनी जो वंदना है हिंदी वंदना वो भी भैरवी राग पर ही आधारित है, इसीलिए जब आपको भैरवी राग का आरोह अवरोह और पकड़ और उसके कुछ राग बंदी से आ जाएंगे तो आप उसका गायन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। राग भैरवी का परिचय आरोह अवरोह का सस्वर गायन। अब ये राग भैरवी पर आधारित मासिक गीत, कोई भी मासिक गीत चाहे वो देशभक्ति हो चाहे वो भक्ति हो चाहे वो किसी भी तरह का गीत हो, फिल्मी को छोड़ के क्योंकि अभी फिल्मी को हम लेंगे नहीं, हालांकि राग भैरवी में बहुत सारे फिल्मी गीत भी हैं लेकिन हम वही करेंगे जो कि जिस उम्र के हिसाब से ठीक होता है आपकी उम्र के हिसाब से। राग भैरवी पर आधारित मासिक गीत हो गया, भैरवी राग भोपाली राग पर आधारित गीत और छोटा ख्याल। छोटा ख्याल से तात्पर्य है कि ये क्लासिकल ख्याल यानी कि कल्पना, कल्पना यानी कि कुछ भी अपने शरीर पे जो भी चित्रकार चित्र बनाता है अपनी कल्पना के आधार पर बनाता है, ऐसे ही कोई कुम्हार अपने घड़े को बनाता है तो तरह तरह की चीजें बनाता है, मूर्तियां बनाता है तो अपनी कल्पना के आधार पर उसे सुंदरता देता है, उसकी सुंदरता पर आधारित उसका पूरा ज्ञान रहता है, उसकी कल्पना रहती है, तो कुम्हार के द्वारा सृजन की गई वो मूर्ति उस हिसाब से अच्छी लगती है। ऐसे ही राग के अंतर्गत रहते हुए और उसके नियमों का पालन करते हुए जब हम किसी गीत को गाते हैं, गाने के साथ साथ उस अपनी कल्पनाओं को भी इसमें जोड़ देते हैं तो उसे ख्याल कहा जाता है। ख्याल यानी कि कल्पना, कल्पना यानी कि क्रिएशन। लेकिन क्लासिकल का एक नियम है, क्लासिकल का यह नियम है कि आप कल्पना तो करें। लाइट में क्या है, लाइट म्यूजिक में एक विशेष चीज होती है कि आप संपूर्ण राग को संपूर्ण स्वरों को ना भी गाने तो काम चल जाता है। कोई पिक्चर वाला कोई फिल्म वाला किसी चीज को बना रहा है, किसी कंपोजिशन को कर रहा है तो वो उसके साथ साथ अपने जो है अपने विचारों को डालते हुए राग को में विवादी स्वरों का भी प्रयोग कर देता है या किसी भी तरह से अपनी कल्पना को ले जाता है जो संपूर्ण राग की स्थिति में नहीं रहता होगी, लेकिन उसमें उसकी क्या है दिव्यता और उसकी रोचकता बढ़ जाती है। तो ये लाइट है, क्लासिकल का ज्ञान होना हर जगह आवश्यक है लेकिन लाइट में वो संपूर्ण ज्ञान होना कोई आवश्यक नहीं है। आपकी स्वर आरोह अवरोह पकड़ आपको हर राग का आना चाहिए, तो आप इतना करने के पश्चात जब किसी चीज का कंपोजिशन करेंगे तो नियमों में नहीं भी रहेंगे लेकिन आपकी कल्पना बहुत बढ़िया होगी तो आप लाइट म्यूजिक यानी फिल्मी म्यूजिक जो है जो गीत गाए जाते हैं फिल्मों में उसका निर्माण बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ख्याल लाइट में और क्लासिकल में जो मैंने आपको अंतर बताया वो सिर्फ इतना ही है कि नियमों में रहते हुए क्लासिकल में किसी भी कंपोजिशन को गा लेना और अपनी कल्पना को उसमें ढाल लेना, लेकिन किसी भी नियम का राग के किसी भी नियम का कोई भी
किसी भी तरह से उसमें जो है अनादर ना करना, तो वो क्लैसिक है। और लाइट में आपके लिए राग हो सकता है लेकिन कोई नियम नहीं होते हैं, यानी कि जैसे सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये एक लय में चला। अब किसी फिल्मी वाले ने इसी में कोई विवादी स्वर लगा दिया और अपनी कल्पना ऐसी कर दी, कल्पना करने के बाद उसने उसमें कोई ऐसी चीज डाल दी कि जो राग पर आधारित नहीं है लेकिन वो अच्छी लग रही, तो वो लाइट म्यूजिक में आ जाता है, वो प्योर क्लासिकल नहीं रह पाता क्योंकि उसने नियम को तोड़ा है। इसलिए फिर इस रागों की चर्चा के बाद फिर हैवी राग पर आधारित कोई और गीत करेंगे। छोटे ख्याल, छोटा ख्याल में स्थाई और अंतरा होता है, अंतरा उसकी दो दो लाइनें होती है, क्लासिकल में एक स्थाई एक अंतरा रहता है, लेकिन लाइट म्यूजिक में स्थाई सभी समय एक रहता है लेकिन अंतरे उसके बदलते रहते हैं, यानी कि कोई भी गीत शुरू होगा तो उसका स्थाई एक रहेगा लेकिन अगली दो लाइन के बाद फिर अगली लाइनों में उसके शब्द अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन क्लासिकल में ऐसा नहीं होता। क्लासिकल में सिर्फ स्थाई और अंतरा, फिर उसके बाद स्थाई के अलावा फिर अंतरे के अलावा, फिर उसके बाद स्थाई की तान फिर अंतरे की तान, फिर बोल तान, फिर कल्पना, क्रिएशन इतना है कि उसका अनंत है, जैसी जिसकी दिन में भावना है वैसा ही राग के नियमों में रहते हुए वो अपनी कल्पनाओं को गाता है। जैसे मैंने कहा सा सा प ध प ग प ध प ग सा। अब ये भटियार राग है, भटियार राग सुबह का अनुभव आपको कराता है। अब इसी में जब कल्पना में घूमेगा 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 आदमी तो अपनी कल्पना को करता जाएगा सा, स्वरों को लेने का अपना अपना तरीका सा धा सा प द प। अब मैंने ऐसे करा, कोई कर सकता सा धा, ऐसे कल्पनाओं को चेंज कर सकता है। तो कंपोजिशन जो होते हैं उसी आधार पर होते हैं। अगर आपको क्लासिकल का ज्ञान नहीं होगा तो आप लाइट भी नहीं कर सकते हैं। हाँ यह है कि लाइट करने वाले को सिर्फ ज्ञान लेना है, यानी कि आरोह अवरोह पकड़ का हर व्यक्ति से ज्ञान होना चाहिए, इतना उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, नहीं तो कोई भी व्यक्ति गीत नहीं गा सकता। और संगीत तो वैसे भी गॉड गिफ्ट की चीज है, आपके पास कोई भी बेसुरा नहीं हो सकता, लेकिन मीठी आवाज, अच्छी आवाज, जैसे कि कभी वो बहुत सारे विद्वानों ने भी कहा है कि बोली एक अमोल है जो कोई बोले जाने, ये तराजू तोड़ के तब मुख बाहर आने, यानी कि दिल जिसका ठीक होगा और उसका जुबान में मिठास होगी तो वो भले ही ना भी गाए तो भी वो संगीतमय है। पृथ्वी में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जिनको कि संगीत से प्रेम ना हो, भले वो गा ना पाए लेकिन संगीत आप बजाएंगे तो वो जरूर और जरूर उसमें ध्यान देगा। भले मुझे हारमोनियम बजाना नहीं आता, भले मुझे गाना नहीं आता लेकिन मैं सुनता तब भी हूँ। संगीत एक ऐसी कला है जो कि हर किसी को नहीं हो सकती, यानी कि वो गॉड गिफ्टेड है। साहित्य, संगीत, कला, ये सब गॉड गिफ्टेड है। इन सब चीज़ों को करने के लिए मेरे हिसाब से ये समय बड़ा अनुकूल है, तो इसलिए मैंने आपको आज ये इसका पूरा 8th क्लास का जो मैं उसके मेन मेन बिंदु आपको इस माध्यम से कराऊंगा उसका मैंने आज आपको ये सब दिखाया है और बताया है ना। तो इस चीज को आप उतार लेंगे और कॉपी का निर्माण कर लेंगे। कल से हमारा जो भी है वंदना दीप जो स्तुति से शांति पाठ तक का हम पूरा जो अपने विद्यालय में वंदना चलती है उसका पूरा ही हम गायन करेंगे। तो क्योंकि ये कॉमन विषय है 6th to 8th या 6th to 12th, इसीलिए ये बचपन से आ जाए और उसके उच्चारण कैसे होंगे, कल जो हमारा टर्न रहेगा वो वंदना का रहेगा, उसमें कल मैं सिर्फ दीप मंत्र लूंगा, उसके उच्चारण और उसके गाने की विधि, स्वरों को कैसे लेना है, ये सब चीज़ों को मैं दूंगा। और मैं ये चाहूँगा कि आप सब उसका इस समय का सदुपयोग करते हुए उसका सही से अभ्यास करें, ताकि आप स्कूल में जब आएँ
तो हमारा 15 सत्र जो है पहले से अच्छा हो और आपकी स्पिरिचुअलिटी भी जगे। तो एक कहते हैं कि सब काम जब निष्काम हो तो राम नाम ही राम हो। जब हमारी कामनाएं नहीं होती, निष्काम भावना से हम भगवान की आराधना भी करते हैं, सरस्वती माता की आराधना भी करते हैं, तो हमारी फिर सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं, यानी कि निष्काम हो और माता पिता और गुरु का सम्मान करते हैं तो हमारे अपना रास्ते जो है खुलते जाते हैं। तो मेरी आशा है कि आप घर में माता पिता का भी थोड़ा बहुत सहयोग कर रहे होंगे, कम से कम सहयोग नहीं कर रहे होंगे तो कम से कम उन्हें परेशान नहीं कर रहे होंगे। तो ये भी एक रास्ता है अपने रिश्तों को खोलने का कि हम माता पिता गुरु इन सब का सम्मान करें और निष्काम भावना से जैसा जिस परिस्थितियां चल रही, जैसा जो स्थितियां चल रही हैं उन सब में हम अपने कार्य को निष्काम भावना से करें। तो आज का मैं अपना ये 2 लाइन गा के बात को समाप्त करता हूँ कि सब काम जब निष्काम हो तब राम राम ही राम हो। इस गीत को मैं पूरा बाद में सुनाऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि संगीत एक ऐसी विधा है जिसमें कि अकेले करना बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी जो मेरा प्रयास है प्राचार्य जी ने कहा है उस प्रयास को मैं करते हुए इस विषय को आगे को ले जाऊंगा। और जितना अपना प्रयास है अकेले जो भी बन पड़ेगा, कभी तबला का अभ्यास, कभी गायन का अभ्यास करके मैं आपको जितनी भी यहाँ से चीजें दे सकता हूँ उसे देने का प्रयास करूँगा। तो इतनी बातों के साथ मैं 2 लाइनें बोलूँगा, उसके बाद मैं इस विषय को आज के समाप्त करूँगा। सब काम जब निष्काम हो तब राम राम ही राम हो। सब काम जब निष्काम हो तब राम राम ही राम हो। कोई काम नहीं, निष्काम भावना से जैसी परिस्थितियां हैं, जैसी स्थितियां हैं उसमें आजकल आपको मैथ भी पढ़ना है, संस्कृत भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, उनकी कॉपी भी बनानी है, परिस्थितियां ऐसी हैं। तो घर में सभी भैयाओं से अनुरोध है माता पिता का सहयोग करते हुए इन सब परिस्थितियों को जानते हुए अपना कार्य को करें, अपने अध्ययन को करें, चाहे कोई भी और किसी भी चीज में कोई समस्या ना, अपनी पढ़ाई भी चलती रहे, सब कुछ चलता रहे, विद्यालय भी प्रयास कर रहा है, आप भी अपने प्रयास में कोई कमी ना रखें। इस बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।